डॉक्टर विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सिंह, मैं आपसे पूछूंगी, क्योंकि ये जिस तरह से कोर्ट ने आज कहा है, बुलडोजर कार्रवाई को लेकर आप जानते हैं पिछले कई सालों से, खासकर यूपी में लेकर अब और राज्यों में भी कई सवाल उठते रहे। कोर्ट ने कहा निर्माण अवैध है तो गिरना चाहिए, बुलडोजर की कार्रवाई अवैध, सरकारी जमीन पर अगर आपने मंदिर खड़े कर दिए, मस्जिद खड़े कर दिए, हटाए जाएंगे, उस पर फिर आदेश एक समान होगा और सबको मानना होगा। अब सवाल यह है कि मैंने तस्वीरें भी दिखाई मंदिर की भी और मस्जिद की भी, जहां उन्हें गिराया गया। जमीयत ने कहा था कि सिर्फ एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है, कोर्ट ने कहा सब पर समान कार्रवाई और वो होगी और वो हर जगह हो। सुचेता जी, मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का स्वागत करता हूं और सुप्रीम कोर्ट का नमन करता हूं। हम में से कोई इससे सहमत नहीं कि नाजायज बिल्डिंग कोई भूमि को रिक्त कराना चाहिए और ये आवरण देने की कोशिश कमर पा दी कि नाजायज पूजा स्थल हम जहां चाहे बना ले, जो जमीन सरकारी वो हमारी, एक पर्दा हट गया और ये भी हो गया। सही सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है, आरोपी होने मात्र से ही बुलडोजर नहीं था, बुलडोजर चलता है अगर अतिक्रमण हुआ है। अब दो बातें हैं, यस, कोई आरोपी है, हाँ, और आरोपी सरकार। मैं डीजीपी साहब आपका ऑडियो थोड़ा ठीक करा रही हूँ, ऑडियो बहुत खराब आ रहा है, मैं उसको जरा दुरुस्त कराती हूँ। उन्होंने एक बड़ी बात कही है, वो कह रहे हैं कि आरोपी होने मात्र से बुलडोजर नहीं चल सकता है, बुलडोजर तभी चलेगा जब उस तरह का कोई अतिक्रमण हुआ हो या फिर कोई अवैध इमारत बनाई गई हो, उस तभी बुलडोजर चल सकता है। अब न्याय वाली बात हमेशा कही जाती है कि न्याय करने के लिए या फिर किसी मुजरिम पर बिना कोर्ट के फैसले आने से पहले बुलडोजर चला दिया, लेकिन वो कह रहे हैं कि बुलडोजर तो तभी चलेगा अगर अवैध निर्माण हो। अब मैं इस पर जरा एक रिएक्शन लेना चाहती हूँ। दानिश कुरैशी साहब, आप बड़े अंधेरे में दिख रहे हैं मुझे। दानिश साहब कहाँ हैं? दानिश साहब के पास वापस आऊंगी, मैं अतिकुर रहमान साहब के पास जा रही हूँ। अतिकुर रहमान साहब, बुलडोजर तो तभी चलेगा जब अतिक्रमण हुआ हो और अवैध निर्माण हुआ हो। अब जो सोमनाथ मंदिर के आसपास अवैध निर्माण था, उसे गिराया गया इसलिए क्योंकि वहां अवैध निर्माण था, इसलिए नहीं कि वहां मजारे थे। सही कहा आपने सुचारिता जी, सवाल यहाँ पर यह नहीं है कि जो अनअधिकारिक है, जो इल्लीगल है, उसके ऊपर किसी को ऑब्जेक्शन था कि भी बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। हमने जो सुप्रीम कोर्ट में प्ली लेके गए थे और प्ली को एडमिट किया गया, ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि सुप्रीम कोर्ट को कुछ दिखा कि कुछ गलत हो रहा है। और गलत क्या हो रहा था सुचारिता जी, कि बुलडोजर उन जगहों पर चलाया जा रहा था सिलेक्टिवली जो मुसलमानों के घर थे, जो मुसलमानों पर आरोप साबित नहीं हुए थे, जो मुसलमानों पर आरोप अगर साबित हुआ भी तो घर उसके नाम पर नहीं था, लेकिन बुलडोजर चला दिया गया। यहाँ पर मैं जानना चाहूंगा कि ये जो बुलडोजर के ऊपर आज रोक लगी है, ये मैं समझता हूँ रोक लगी है यूपी के चीफ मिनिस्टर की जुबान के ऊपर, उन्होंने क्या कहा। और बाकी लोगों से तो पूछना मैं सही नहीं समझता हूँ, मैं पूछना चाहूंगा डीजीपी साहब से कि कितने आतंकवादियों की जगहों पर बुलडोजर चला। यूपी के चीफ मिनिस्टर ने बगैर तय करे उनको आतंकवादी कहा। आपने सुना, आपने अभी अभी चलाया सुचारिता जी, हाँ, कि आतंकवादियों की घर पर बुलडोजर चलेगा। मैं पूछना चाहूंगा अब तक के जितने बुलडोजर कार्रवाई हुई है उसमें से कितने आतंकवादी साबित हुए। ये भाषा पे आज बुलडोजर चला है और यही हम चाहते थे, हमको कोई आपत्ति नहीं है बुलडोजर चलने पर इल्लीगल घरों के ऊपर, इल्लीगल मदारों के ऊपर, इल्लीगल मस्जिदों के ऊपर। बुलडोजर चलना चाहिए था योगी आदित्यनाथ की जुबान पर और वो आज चला है, जो एक वेलकम स्टेप है। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि जो बयान दिए हैं योगी आदित्यनाथ ने उनको लेकर ये पूरा मामला है। अब देख लीजिए, ये तो इस पूरे बुलडोजर पर जो भी जिस तरह का भी कोई बयान कोर्ट की तरफ से आएगा उसको एक सियासी तो टर्न दे ही दिया जाएगा। अजय जी, मैं एक बार राजमिश्रा जी आपके पास आऊं, उससे पहले अजय जी के पास जा रही हूं। अजय जी, ये सीधा सीधा आरोप, जैसा मैंने कहा था, ये सीधा जो भी कहा कोर्ट ने वो सीधे योगी आदित्यनाथ से जोड़कर देख रहे हैं। आपने सुना अतिकुर रहमान साहब? देखिए, मुगालते पालने में कोई बुराई नहीं,
पूरा देश और कोर्ट पहली बार ये तारीफ भी कर रहा है कि अवैध निर्माण पे कार्रवाई करने की इच्छा शक्ति किसी सरकार ने दिखाई, और वो योगी आदित्यनाथ की सरकार, अब वो मॉडल अब हर स्टेट में फॉलो हो रहा है। ये कितनी बड़ी बात है। अतिकुर रहमान साहब बताएं कि इलीगल कंस्ट्रक्शन हुए क्यों, इलीगल किसी को हथियाने क्यों दिया गया, उस वक्त की सरकारें सो रही थी। अतीक अहमद का घर अगर गिरा दिया जाता है जो कि सरकारी जमीन पे बना हुआ है, तो अतीक अहमद बहुत बड़ा परिश्रम है क्या? नहीं। मुख्तार अंसारी का अगर निर्माण गिराया जाता है जो कि अवैध सरकारी जमीन पे बना हुआ है, फरिश्ता थे क्या? क्या थे वो लोग? एक मिनट, क्या थे वो लोग? और दूसरी बात, अभी कह रहे थे हमारे समाजवादी पार्टी के कि गरीबों के घर तोड़े गए हैं। अरे भाई साहब गरीबों के घर तोड़े नहीं गए, रिकॉर्ड आज की तारीख में रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, 2024 का रिकॉर्ड है। उत्तर प्रदेश में 94 लाख गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिए गए हैं, जिसमें मुसलमान भी हैं। रामपुर का वो गांव खिचड़ीपुर जिसमें हमें एक वोट नहीं मिला, लेकिन छत्तीसगढ़ मुसलमानों के बने। ये सरकार हिंदू मुसलमान देख के काम नहीं करती है, आप देख के काम करते थे कि कौन मुसलमान है। मुलायम सिंह यादव का एक नहीं सैकड़ों स्टेटमेंट्स है कि मैंने मुसलमानों को बधाई हूँ, मैं 26% पुलिस में नौकरी दी, मैंने मुसलमानों को 16% यहाँ नौकरी दी। क्या योगी आदित्यनाथ ने कभी कहा कि मैंने हिंदुओं को इतनी दी? जो सरकार हिंदू मुसलमान देख के काम करे वो आप लोग की सरकार थी, हमारी सरकार नहीं है। हम बड़ी बात कह रहे हैं, आवाज दिया है, 4 करोड़ घर और देने जा रहे हैं, हमारे बजट का घोषणा है। वो बड़ी बात कह रहे हैं दानिश साहब, वो कह रहे हैं कि नौकरी दी जाती है, कोई भी सरकारी सुविधा दी जाती है, उसमें हिंदू मुसलमान देखकर नहीं लेते, लेकिन बुलडोजर एक्शन पे आप लोग बार बार कहते हैं कि देखिए मुसलमान को देखकर एक्शन हो रहा है, मुसलमान के घर गिराए जा रहे हैं। कोर्ट ने आज कहा है धर्मनिरपेक्ष देश है, कार्रवाई तो होगी अगर अवैध निर्माण है, फिर वो मंदिर पर भी होगी, मस्जिद पर भी होगी। देखिए अगर कोर्ट के आज फैसले को अगर एक्सप्लोर किया जाए तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने सरकार को ये बता दिया कि देश धर्मनिरपेक्ष है, बराए मेहरबानी आप इस तरीके के कोई काम न करें। ये सीधा मेरी समझ में तो ये आया है जो सुप्रीम कोर्ट ने आज कहने की कोशिश की है। दूसरे नंबर की बात मैं आपको बताऊं, देखिए भारतीय जनता पार्टी का प्रॉब्लम क्या है, वो आ जाते हैं शौचालय पे, विचालय पे, और न जाने किस किस चीजों पे आ जाते हैं। दरअसल इनकी दिक्कत और इनकी परेशानी ये है कि प्रैक्टिकलिटी जो है ये हजम नहीं कर पाते। मैं आपको दिखाऊं, गुजरात की जो आप बात कर रहे हैं ना, गुजरात की पाटण जगह की, पाटण की जाकर डिमोलिशन की बातचीत चल रही है, ये फोटो देख लीजिए आप, विजुअल दिखाइए, ये मंगोल शाह बाबा का मजार है, ये देखिए। नहीं नहीं आपको दिखाने की जरूरत नहीं, मैंने विजुअल चला दिया आपके लिए, ये वो जगह है, सुनिए, ये वो जगह है जहां अंग्रेजों के खिलाफ मुखालिफत करते हुए इस जंग आजादी के दीवाने वहां से वो करते थे, लड़ाई किया करते थे, इस जगह को ढाया गया है। अब आप मुझे बताइए कि हिंदुस्तान की ये तारीख है, इसको आप बुलडोजर जस्टिस कहेंगे? बताइए, बुलडोजर जस्टिस कहेंगे? दानिश साहब आपने जो बात कही है, पुरानी जगह है। दानिश साहब मेरा बस एक सवाल है, 70 साल दानिश साहब मेरा बस एक सवाल, आप ये कह रहे हैं आजादी की लड़ाई यहाँ पर लड़ा करते थे, रानी लक्ष्मीबाई से बड़ी वीरांगना तो नहीं है इस आजादी की लड़ाई में, लेकिन वहां दिल्ली में बुलडोजर इसलिए चलाना पड़ा क्योंकि वक्फ ने संपत्ति कहा हमारी है और इस पर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति नहीं लग सकती है। कोर्ट को आना पड़ा कहने के लिए कि डीडीए की जमीन है इसीलिए लगेगी, जो डीडीए चाहेगा वो होगा। अब मुझे बताइए, उस वीरांगना की मूर्ति नहीं लगने दी गई क्योंकि वक्फ ने कहा जमीन हमारी है, आप मुझे ये बता रहे हैं कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा है, वहां बुलडोजर चला लेकिन इसलिए चला क्योंकि एक वीरांगना की मूर्ति नहीं लगने दे रहे थे ये कहकर के वक्फ की जमीन है। सिर्फ एक काउंटर दे रही हूं आपकी बात का। देखिए सुनिए मेरी बात, सबसे पहले तो हाँ मैं बिल्कुल उसका जवाब भी दूंगा। इस देश में हमने एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी सुना है जो कागजों पे नहीं है, कई सालों तक उसका उसके वहां पर ध्वजारोहण भारत का झंडा नहीं फहराया गया, उनका अपना झंडा फहराया गया, तो उस पर कभी सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है? नहीं लिया, लेगा भी नहीं, क्योंकि अगर किसी की निजी प्रॉपर्टी है, वक्फ के पास अगर अपनी प्रॉपर्टी है, उसके पास अगर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है, तो फिर भाई क्यों आएगा। अभी मैं ये कहूंगा कि आप रानी लक्ष्मीबाई जी की मूर्ति जो है आपके स्टूडियो में लगा दीजिए, हम बहुत बड़ी मूर्ति लगाना चाहते हैं आपके स्टूडियो। क्या हुआ आपके